गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फाइव वर्ब्स. इन दिस फर्स्ट एक्सरसाइज सिक्स क्वेश्चंस आर गिवन. इन सिक्स क्वेश्चंस में हमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि ये कौन से वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं या इंट्रांजिटिव वर्ब्स. हमने इनके बारे में हमारी प्रीवियस क्लासेस में भी रीड किया है. एज अ रिविजन हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे कि वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. यानी जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट्स की नीड होती है वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स. वर्ब्स दैट डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. यानी जिन वर्ब्स को किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स. हमने जो इसमें अंडरलाइन किए हैं ये वर्ब्स हैं और ये बताया है कि कौन सा ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव. फॉर एग्जाम्पल द बेल रैंग लाउडली. बेल बजी नॉर्मल है, सिंपल कि बेल बजी, ये है इंट्रांजिटिव. द प्यून रैंग द बेल. यहाँ पे जो प्यून है उसने बेल बजाई है तो ये है ट्रांजिटिव क्योंकि उसने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया है वर्ब के साथ. जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर सिक्स, प्रभी टोल्ड नीपा अ स्टोरी. यानी प्रभी ने नीपा को एक स्टोरी सुनाई. ओके, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. हम सबको पता है कि जो वर्ब होता है दैट मे नीड, यानी उसे एक नाउन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए. कई बार ऐसा हो सकता है दैट इज़ समटाइम्स देयर मे बी टू सच नाउन्स आफ्टर वर्ब. यानी दो नाउन्स भी यूज हो सकते हैं वर्ब के बाद में. जो हमारा लास्ट सेंटेंस है उसमें जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं स्टोरी और नीपा, ये दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं क्योंकि प्रभी तो सब्जेक्ट है, वर्ब हो गया टोल्ड. नीपा और स्टोरी ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टोरी तो है डायरेक्ट क्योंकि प्रभी ने क्या कहा, कहानी कही. किसको कही? नीपा को. इसलिए स्टोरी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बताता है कि वर्ब प्लस व्हाट, यानी वर्ब ने क्या किया. एंड नीपा इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. इसका मतलब ये बताता है कि किसको कही या किस, फॉर हुम, टू हुम यानी किसको, फॉर हुम यानी किसके लिए. ठीक है, तो एक सेंटेंस में मोर देन वन ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जस्टिफाई करेंगे. अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब. फॉर एग्जांपल जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका जो अफेक्ट होता है यानी उस पर जो एक्शन होता है वर्ब का उससे वो अफेक्टेड होता है. प्रभी नरेटेड अ स्टोरी, यानी प्रभी ने एक स्टोरी सुनाई. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो पर्सन होता है टू होम समथिंग इज़ गिवन, उनसे कुछ दिया गया है, और फॉर होम समथिंग इज़ डन या उसके लिए कुछ किया गया हो. एग्जाम्पल है प्रभी टोल्ड नीपा अ स्टोरी, यानी प्रभी ने नीपा को स्टोरी सुनाई. ओके, तो ये था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस. अब हम एग्जाम्पल्स को देखें. जैसे चिल्ड्रेन प्ले विद देयर टॉयज. जो बच्चे हैं वो प्ले यानी वर्ब है, किससे खेल रहे हैं, टॉय से खेल रहे हैं. द चिल्ड्रेन प्ले एवरी इवनिंग. जो बच्चे हैं वो रोज़ शाम को खेलते हैं. हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें वर्ब ने जो ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं, अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन, सो द वर्ब प्लेस इज ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे द वर्ब इज़ यूज विद एन ऑब्जेक्ट, यानी जो वर्ब है उसने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया है. ओके, अ पर्सन और थिंग, तो जो भी पर्सन या थिंग है वो उस एक्शन से अफेक्टेड है क्योंकि टॉय से कौन खेल रहा है, चिल्ड्रन खेल रहे हैं. ओके, चिल्ड्रन प्ले विद द टॉयज, इसीलिए जो प्ले यहाँ पे है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है. सेकेंड सेंटेंस में द वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो, सो द वर्ब प्ले इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं यानी हर शाम खेलते हैं, एवरी इवनिंग दे प्ले. किससे खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अदर ऐसी नहीं है इस सेंटेंस में. इसीलिए यहाँ पे जो प्ले वर्ड है वो इंट्रांजिटिव है और यहाँ पे जो प्ले वर्ब है वो ट्रांजिटिव है. पेज नंबर 35 में एक एक्सरसाइज और दिया है जिसमें हमें जो वर्ड्स अंडरलाइन है बताना है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. सुरभि गेव अमृता अ पेन. सुरभि ने अमृता को पेन दिया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि पेन अंडरलाइन है यहाँ पे. अगर अमृता अंडरलाइन होती तो हम क्या बताते, इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सुरभि ने पेन किसको दिया था, अमृता को दिया.
ग्रैंडफादर बॉट विनोद अ बाईसाइकिल, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि बाईसाइकिल तो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट। ग्रैंडफादर क्या लेकर आए? बाईसाइकिल। किसके लिए लाए? विनोद के लिए, इसलिए विनोद हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये फाइव जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं हमने यहाँ मार्क किए हैं एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बुक में आज हम इतना ही रीड करेंगे। जो मैंने आपको यहाँ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताया, इन्हें और समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नोट किए हैं आपके लिए। आप इसी तरह आपकी फेयर नोटबुक में इन सेंटेंसेस को लिखेंगे एज इट इज़, जैसे मैंने लिखा है आप भी उसी तरह से। ये फाइव एग्जांपल्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, इसके बाद ये फाइव है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। केयरफुली देखिए, ये एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिए हैं कि आप जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब हैं उन्हें इजीली समझ सकें। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हमें मैंने सेट में लिखे हैं कि एक ट्रांजिटिव है और एक इनट्रांजिटिव है, इनके डिफरेंस को समझने के लिए। ये थ्री सेट ऑफ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं कि आपको समझ में आएगा कि जो वर्ब्स हैं वो किस फॉर्म में ट्रांजिटिव हैं और इनट्रांजिटिव हैं। आई होप आपको पिक्स क्लियर समझ में आ रही हैं। किसी भी तरह का इशू हो ये सेंटेंसेस तो आपको अपने से लिखने हैं, लेकिन एक होमवर्क आपको ऐसा करना है कि इनमें जो भी वर्ब्स हैं आप उन्हें पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, और जब आप वर्ब की पिक मुझे सेंड करोगे तो मैं चेक करूँगी कि उनमें से कौन सा क्वेश्चन यानी किस क्वेश्चन में आपने करेक्ट या इनकरेक्ट वर्ब को अंडरलाइन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया क्या करना है। आपको इन सेंटेंसेस को नोटबुक में लिखना है एज इट इज़, और इनमें जो भी वर्ब्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। इसके साथ जो चैप्टर रीडिंग आज हमने की है उसे भी साथ में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।